वी आर गोइंग टू कॉन्कर कर स्टार्ट लेंगे। इंक्रीज एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, हाँ क्यू बिफोर डूइंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम देन वी आर गोइंग टू राइट द कर्व्ड सरफेस एरिया देन द टोटल सरफेस एरिया देन वॉल्यूम द फर्स्ट वन इज क्यू. What is the curved surface area? 4a square. What is the total surface area? 6a square. Volume is a cube. Second one, cuboid. Curved surface area, twice of h, l plus b. Total surface area, 2 into lb plus bh plus hl. Volume, l into b into h. Third one, is cylinder curved surface area 2 pi rh total surface area 2 pi rh plus 2 pi r square volume pi r square h. Fourth one, we can take cone curved surface area pi rl total surface area pi rl plus pi r square volume 1 by 3 pi r square h. Fifth one, hemisphere curved surface area 2 pi r square total surface area 2 pi r square plus pi r square volume 2 by 3 pi r cube. Sixth one, sphere, curved surface area and the total surface area is same, 4 pi r square, 4 pi r square and volume is 4 by 3 pi r cube. Okay, we have to deal with all these formulas in this chapter. सर क्या कह रहे थे आप? सर इतने फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी इन दिस चैप्टर. ओके, चैप्टर में सर वो तीन सर ऐसे भी तो है ना सर, कुछ वो फिगर्स. कौन से तीन फिगर्स? वो आगे आएंगे, आगे आएंगे, डोंट वरी सर. कौन से वाले सर? प्रस्टम वगैरह वो आगे आएंगे. हाँ सर, तो हमें मेनली तो हमें इतने फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ठीक है सर. कपड़े भी महंगे हुए. यस सर. सर एक सेकंड. Yes, sir. Okay. Now we are going to start directly. इस चैप्टर में क्या है? कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, बाकी सेम वही है, मेंसुरेशन पूरा. सो स्टार्टिंग विद एग्जांपल नंबर वन.
रशीद गॉट ए लट्टू ऑन हिज बर्थडे प्रेजेंट विच हैड नो कलर. ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स. द टॉप इज लाइक अ शेप ऑफ ए कोन माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. Entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find out the area that has to be colored. देखो लट्टू है. लट्टू कैसा होता है? एक कोन होता है. कोन के ऊपर क्या होता है सर? कोन वो वैसा सिलेंडर वो हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर हाँ. टोटल हाइट ऑफ द लट्टू इज गिवन एज 3 पॉइंट. टोटल हाइट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर और डायमीटर जो दिया है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, डायमीटर इज 3.5 एंड टोटल हाइट इज 5 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया दैट हैज टू बी कलर्ड. अब कलर कहां पे होता है? सरफेस पे होता है. तो हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा, व्हाट इज गिवन डाटा? व्हाट इज गिवन? हाइट ऑफ द टॉय is given as 5 centimeter. Yes, diameter of the top or diameter of the top is given as 3.5 centimeter. Okay. अब total surface area of toy. Toy किस किस से मिलके बनाया है भैया? Cone plus hemisphere. So curved surface area of hemisphere प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब कर्व्ड क्यों ले रहे हैं, टोटल क्यों नहीं ले रहे हैं कोन का? तो देखो टोटल में क्या होता है, कोन के बेस भी आता है लेकिन इसमें बेस इंक्लूड नहीं है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया. हेमिस्फीयर का कर्व्ड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टोटल हेमिस्फीयर में बेस भी इंक्लूड होता है लेकिन हम वी आर नॉट टेकिंग द बेस, क्योंकि बेस को तो हम कलर ही नहीं कर पाएंगे, ये तो हिडन पोर्शन है, हमको तो बाहर बाहर से कलर करना है. ठीक है, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 पाई आर स्क्वायर. और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल स्क्वायर पाई आर एल एल. अब देखो क्या क्या गिवन है भैया. 2 पाई कॉमन निकालो सबसे पहले, तो पाई बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा? 2 आर स्क्वायर प्लस आर एल. आर भी कॉमन है, आर तो सेम है दोनों की, आर भी कॉमन निकाल सकते हो. पाई आर कॉमन निकाल लो, एक काम करो और अच्छी बात हो जाएगी. पाई आर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 2 आर प्लस एल. अब देखो पाई की जगह 22/7, रेडियस इज ऑलरेडी गिवन. देखो डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 आर दैट इज डायमीटर ब्रैकेट 3.5. अब एल निकालना है. एल क्या होती है? वी नो दैट एल इज स्लैंट हाइट. एल का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है एल. यस सर. हाँ, अब ये बताओ मुझे, 5 तो टोटल हाइट है तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ कोन, क्योंकि सेंट है तो कोन की चाहिए ना हमें. तो रेडियस तो सेम है. देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. तो यदि मैं इतनी रेडियस, मतलब यहां से यहां तक जो रेडियस है 3.5 अपॉन 2, ये माइनस कर दूं तो 5 में से तुम्हारी हाइट आ जाएगी. यस सर. तो कितना होगा भैया? तो देखो सबसे पहले तो हाइट, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा? दिस इज हाइट ऑफ कोन. सो 5 माइनस 3.5 बाय 2 कितना हो जाएगा? ये दिस इज द हाइट ऑफ द कोन. 10 माइनस 3.5 तो सर 6.5 बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 3.25. हाँ ठीक है. अब L की वैल्यू निकालो, यहाँ पे रखो L इज इक्वल्स टू एच. वॉट इज एच? 3.25 का स्क्वायर. और वॉट इज R? 3.5 बाय 2 कितना हो जाएगा ये? 3.5 बाय 2 3.5 बाय 2 का स्क्वायर. हाँ अब इससे L की वैल्यू निकालो. हाँ, अब इससे एल की वैल्यू निकालो कितना होगा, अप्रोक्स निकालना है हमको. हाँ सर.
कैलकुलेशन करो, 3.25 या 325 इंटू 325 डिवाइडेड बाय 10,000, फिर 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 400, सर जो 3.25 का सर स्क्वायर डायरेक्ट ही कर देंगे ना सर। हाँ डायरेक्ट कर लो स्क्वायर कितना होगा। सर 10.56। हाँ फिर 10.56, नहीं बेटा 4 0 आएंगे ना। 5625 5625 ठीक है, एल कितना आ रहा है, एल बताओ डायरेक्ट सॉल्व करके फटाफट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। यस सर 3। थ्री पॉइंट फाइव कभी 12.25 बाय 4 3.0625 3 पॉइंट 0625। अब इसको ऐड कर दूंगा सर प्लस 10.56 तो 13.625 आ रहा है सर। तो एल कितना आएगा, स्क्वायर रूट भी तो निकालना पड़ेगा। इसका सॉरी सर 3.69। 3.69 या 3.7, ओके। हाँ हाँ सर अब इसको सॉल्व करो, 7535.5, ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 0.5, 3.7 इंटू 3 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, ये 7 और 5 12, 8 on 1 7.2, और ये कितना हो जाएगा, 11 का आधा 5.5, 5.5 इंटू 7.5 7.2, यूनिट कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ रहा है फाइनल आंसर। सॉरी सर 5.5 × 7 39.6 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है समझ यस। आया, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो गया है और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है बस, बाकी सेम है, मेंसुरेशन में पूरा। यस सर कंप्लीटेड ये वाला क्वेश्चन, यस सर सर एक सेकंड सर एक सेकंड सर
सर हो गया। एग्जाम्पल नंबर टू, द डेकोरेटिव ब्लॉक एज शोन इन फिगर इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब देखो क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ क्यूब गिवन ऑफ एच 5 सेंटीमीटर। इसकी एच कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर है। अब इसके टॉप पे एक हेमिस्फीयर बाउल है, ठीक है, लेकिन वो कैसा है? नॉट फुली कवरिंग। उसका बेस का डायमीटर जो है वो 4.2 है। देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट, इसको पहले डायमीटर बना लें, उसके बाद टॉप बनाएंगे। हाँ, अब इसका जो डायमीटर है दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो क्या कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन डेटा। व्हाट इज द गिवन डेटा? एज ऑफ क्यूब सेंटीमीटर, डाया ऑफ हेमिस्फीयर, फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब उसमें मैं जोड़ूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर सर्वे एरिया के सर। देखो मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सबसे पहले मैं क्यूब का निकालूंगा। क्यूब मतलब ये पूरा नीचे वाले ब्लॉक का। फिर कर्व सरफेस एरिया मतलब ऊपर ऊपर का, ठीक है। सिर्फ मेरे को सरफेस ही चाहिए ना, सरफेस मतलब जहां पे मैं सिर्फ टच कर सकता हूँ, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हाँ सर, इतना पोर्शन जो है वो कवर नहीं हो पाएगा बेस ऑफ हेमिस्फीयर। देखो एज केस में आएगा ही नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में ये एरिया तो आ ही नहीं पाएगा बेस वाला, तो ये बेस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कलर कर सकता हूँ, ना कवर चढ़ा सकता हूँ, ना पेंट कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता इसको। तो क्या करूंगा मैं? माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर करूंगा। ये समझने वाली बात है, देखो कैसे समझे अपन इसको। फॉर एग्जाम्पल जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ सर। ये हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है ना, बुक किस शेप की? क्यूबॉइड की है, ठीक है। अब यदि मैं इसके ऊपर एक बॉल रख दूं, बॉल कैसा है? हेमिस्फेरिकल शेप का है। अब इतना जो एरिया है, इतना नीचे नीचे वाला जो एरिया है, इसके ऊपर मैं कलर कर पाऊंगा क्या? कुछ कर पाऊंगा? तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या आ जाएगा? ये साइड, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये पूरा आ जाएगा।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का ये सरफेस एरिया आ जाएगा, समझ रहे हो, ये वाला ऊपर वाला। अब यस सर। इतना मेरे को नीचे वाला एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर तो माइनस करना पड़ेगा ये सर्कल, क्योंकि ये तो कुछ काम का ही नहीं है लेकिन इंक्लूड हो रहा है, यस सर। तो इसलिए मैंने माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर किया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यस इतने सर। पोर्शन पर मैं कलर कर पाऊंगा, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा भैया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² यस सर। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2π r² और बेस ऑफ हेमिस्फीयर -π r² 6a² 6 × 5 × 5, एज ऑफ क्यूब इज गिवन 5 सेंटीमीटर, 2 × 22/7, व्हाट इज r² 4.2 का आधा 2.1 × 2.1 -22/7 × 2.1 × 2.1, ठीक है। 2π r² में से π r² गया, कितना बचेगा, π r² बचेगा, यही कर लो, 2π r² में से यस π r² गया, π r² तो कितना हो गया, 125 × 6 कितना हो जाएगा, 150 + 22/7 × 2.1 × 2.1, सॉल्व करो उसको, 7 × 21 तो कितना हो जाएगा, +22 × 0.3 × 2.1 कितना आ रहा है आंसर बताओ। थ्री टू द सिक्स 6.6 × 2.1, फिर 150 + 66 × 21 और डिवाइडेड बाय 100, तो 66 × 21 कितना हो जाएगा, 1 6 6 1 6 6, 2 6 12, 2 6 12 + 1 13, 6 7 8, तो 1386 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो जाएगा, 30, 163.86 आ रहा है। 0.86 सेंटीमीटर² ठीक है। हाँ यस सर। अब इसमें कोई डाउट है, टेल मी, नो सर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, अ वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ ए रॉकेट माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर बट द हाइट ऑफ द कोनिकल सेक्शन इज 6 सेंटीमीटर, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर व्हाइल द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल हैज अ डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर, इफ द कोन इज टू बी पेंटेड इन ऑरेंज एंड द सिलेंडर इज टू बी पेंटेड इन येलो, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर्स। अब देखो भैया एक रॉकेट है, रॉकेट में क्या है, दो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, वन इज कोन, ये कोन है ठीक है एट द टॉप ऑफ द रॉकेट, और इसके बेस में है सिलेंडर, ठीक है, इस टाइप का रॉकेट है, ये जो सेक्शन है ये वाला देखो, हाइट ऑफ द कोन कल सेक्शन इज 6 सेंटीमीटर,
टोटल हाइट ऑफ द रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी जो कोनिकल का पोर्शन है यहाँ पे क्या है, हॉलो चीज है ये, डायमीटर देखो इसको मैं ना यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा नीचे, ये डायमीटर ऑफ कोन, क्योंकि कोन का डायमीटर बड़ा है थोड़ा, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ जो सिलेंडर है वो 3 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ कोन जो है वो 5 सेंटीमीटर है। दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो सेंटर पे बनाते हैं। सर तो दो अलग अलग से कर देना सर। हाँ मतलब एक ही में है ना रॉकेट, तो ये यहाँ का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ये वाला, और ये टोटल ये है 5, ठीक है। सो क्या करना है हमको, इसको कौन सा कलर करना है भैया, ऑरेंज, पोनिकल वाले को कलर करना है ऑरेंज, और इसको कलर करना है सिलेंडर वाले को येलो, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन कर लो फटाफट, गिवन कर लो। हाइट ऑफ कोन, सर तो हाइट ऑफ कोन तो सर 6 हो जाएगी ना सर। हाँ हाइट ऑफ सिलेंडर, 26 सॉरी 20। ठीक है, वेरी गुड। डायमीटर ऑफ कोन, निकालने क्या इसको ऑरेंज कलर से कितना एरिया मुझे ऑरेंज ऑरेंज कलर से कलर करना है, कितना एरिया मुझे येलो कलर से कलर करना है, ये निकालना है, ठीक है। डाया ऑफ कोन कितना दिया भी है, डायमीटर ऑफ कोनिकल सेक्शन 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ऑफ सिलेंडर, डाया ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट है बताओ? अब मुझे ये बताओ, जो कोन है मेरा, कोन का बेस जो है, देखो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, देखो ये लिखो, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज करना है कोन वाला, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज से क्या क्या करना है भैया, कोन, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पहले चारों दीवारें कर ली कोन की है ना, ठीक है, कोनिकल सेक्शन कर लिया, प्लस बेस ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन। अब बेस एरिया क्या है, हॉलो है, मींस देखो ये कोन का बेस, उसमें से यदि मैं सिलेंडर के बेस को माइनस कर दूं, जब जाके कोन का बेस कलर हो पाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि इतना तो सिलेंडर का ही बेस है ना, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेरे को कोन को ही कलर करना है ऑरेंज, सिलेंडर का पोर्शन हो जाएगा ना फिर, ये वाला डायमीटर, तो देखो ये वाला डायमीटर तो किसका हो जाएगा, सिलेंडर का, सिर्फ मेरे को इतना इतना पोर्शन शेड करना है कोन के लिए, देखो ये इतना पोर्शन, तो सर उसमें से वो माइनस हो जाएगा उसका बेस ऑफ हाँ सिलेंडर। बेस एरिया, ठीक है, उतना बेस माइनस हो जाएगा, इतना जो दिख रहा है छुटा हुआ पोर्शन ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है भैया, पाई आर एल, बेस एरिया ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कोन के लिए आर सी कर दो, और सिलेंडर के लिए कैसा करोगे, सी वाई कर दो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कंफ्यूज एक जैसा मत लिख देना, ठीक है। अब पाई आर एल एल निकालना है, और या गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल, एल क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना है हाइट ऑफ कोन, 6, 6 का स्क्वायर 36,
आर, आर कितना दिया है भैया, टोटल डायमीटर ऑफ कोन 5 है, तो आर कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, तो कितना हो जाएगा 6.25। यस सर। अब इन दोनों का निकालो रूट कितना हो जाएगा, छत्तीस और छह, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो 42.25 इसका अंडर रूट किसके आसपास जा रहा है बताओ, 6 से बड़ा 7 से छोटा, इसके आसपास वैल्यू जा रही है। क्या सिक्सटी सर? वन का स्क्वायर, देखो अब देखो मुझे पता है ये 6 का स्क्वायर है और 7 के स्क्वायर से छोटा है, 6 के स्क्वायर से बड़ा है 7 से छोटा है, तो क्या करो मुझे पता है 6.1 से वैल्यू होगी तो 6.9 के बीच में होगी, तो उसका निकालने का तरीका, अब एक स्क्वायर रूट तो उसका निकाल नहीं सकते, तो क्या करो 61 का स्क्वायर करो, फिर 62 का स्क्वायर करके देखो 63, कौन सी वैल्यू उसके पास आ रही है, आखिरी में ऑलरेडी 5 है तो 65 ही बनेगा वो, मतलब 6.5। ठीक है, एग्जाम में ऐसा करना है, अप्रोक्सीमेशन मेथड लगानी है। अब पाई ऑलरेडी सब में कॉमन है, ठीक है पाई बाहर आ गया, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना है भैया 2.5, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन 6.5, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आर सी 2.5 का स्क्वायर माइनस आर ऑफ सिलेंडर दैट इज 1.5 का स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट है जस्ट टेल मी यस और नो। कोई डाउट है यहां तक, नो सर। ठीक है इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है बताओ आंसर, क्वेश्चन में गिवन है यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ पाई एस 3.14, ठीक है 22.5 इंटू 6.5, और इसका मैं कर देता हूँ इसका हो जाएगा 6.25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, तो जाएगा 2.25, कितना होगा ये 25 इंटू 25 इंटू 65 डिवाइड बाय 100, तो सॉल्व करो उसको फटाफट जल्दी से बताओ। ये देखो ये तो 4 ऑलरेडी आ गया है, 3.14 ये कितना होगा बताओ, 25 इंटू 65, सिक्सटी फाइव बाय फोर कितना हो जाएगा भैया, 4, 5, 6, 4, 6, 12, 12, 13, 14, 15, कितना आ रहा है बताओ, 25 इंटू 6.5 मतलब 2.5 इंटू 6.5, 0.5, 6.5, 16.25 सर। 16.25 कैसे आएगा बेटा, सर वही आ रहा है। 65 डिवाइड बाय 4, 4, 5, 6, 4, 1, 4, हाँ 16 पॉइंट, ठीक है कितना 16.25, 25 सर। हाँ अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 16.25 इंटू 3.14 और उसमें 4 ऐड कर दो, बस दिस इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा पाई सब में है, पाई तो कॉमन है, ऑल का कॉमन पाई है, ठीक है पहले है ना इसको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 4 20, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 20.25, क्योंकि पाई तो सब में ही कॉमन लिया था ना हमने, उसका थोड़ी कॉमन है, सभी का कॉमन है, ठीक है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है सही समय में नोट कर दूं। हाँ नोट कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो आंसर बता दो, सबसे पहले तो अभी तो ऑरेंज का ही आया है, अभी तो येलो का भी बाकी है,
हाँ येलो का सर, भी नहीं। कितना आएगा ये? 20 दुनी 60, 20 या 60, 60 के ऊपर आएगा। मतलब सर ने सर ये पाई आर के नीचे क्या लिखा सर? पाई, अच्छा सर्कल। किसके नीचे बेटा? पाई मतलब सर कुछ नहीं, आपने सर आर के नीचे सर वो सी और हाँ सिलेंडर, ये कौन है और ये सीवाय सिलेंडर का। ठीक है, यस सर, यस। आर सी कर देते हैं। 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर, हो गया था। हाँ, अब एरिया टू बी पेंटेड येलो। अब देखो सिलेंडर का जो टॉप है, एरिया टू बी पेंटेड येलो। तो सिलेंडर का जो टॉप है वो तो कलर नहीं हो पाएगा क्योंकि बैलेंस ही अटैच्ड है वो कोन में। सिर्फ क्या हो पाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। सो एरिया टू बी पेंटेड येलो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि पहले से चिपका हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे हाथ से ये पेन चिपका हुआ है तो पेन के टॉप पे कलर हो पाएगा क्या? नहीं। ठीक नहीं है, सर, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस कौन सी ले रहे हैं? वी आर टेकिंग द रेडियस ऑफ सिलेंडर। सो 2 पाई, पाई कॉमन निकाल लो पहले ही। अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू आर, दैट इज डायमीटर। 2 आर एच प्लस आर स्क्वायर। सो पाई 2 आर कितना है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर। 3 इंटू हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 20 प्लस आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.5। यस सर, 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.25। तो 60 प्लस 6.25 कितना हो जाएगा भैया? ये 3.14 इंटू 62.5, 62.25। तो देखो 63 63 180, तो 180 के ऊपर वैल्यू जाएगी हमारी। ऐसा अप्रोक्सीमेट पहले निकाल लो कि हमारा आंसर सही तो आ रहा है। 63 180, मतलब 180 के ऊपर आंसर है। लेकिन सर अब पाई कितना आर को करेंगे? सर कॉमन ले सकते थे ना सर? हाँ ठीक है, मैंने पाई को ही कॉमन लिया। ठीक है, हम जाने दो ना। ठीक है 60, हाँ पाई आर को कॉमन ले सकते थे, मैंने पाई को ले लिया। ठीक है कोई बात नहीं, सर मल्टीप्लाई करो 3.14 इंटू 62.25। ने 2 पाई आर एच को सर 3 इंटू 20 क्यों लिखा सर?
आर कितना है बेटा? 2 आर मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना है 3, और एच कितना है सिलेंडर का 20, सो 3 × 20, यस सर, क्योंकि 2 आर कितना है मेरे पास 3 और एच है मेरे पास 20, 2 आर मतलब डायमीटर। यस सर, 3.14 × 62.25 सर, वन बस नाइनटी इसमें फाइव पॉइंट फोर सिक्स ठीक है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। या यस सर। बस इस चैप्टर में सब सरल है, सिर्फ कैलकुलेशन ही थोड़ा डिफिकल्ट है, मींस कैलकुलेटिव है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है बस। यस सर, ठीक है अब यस एग्जांपल नंबर 4। सर, फिर क्या कहते हैं सर?